नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा कि आवासीय भवन कितने प्रकार के होते हैं। अगर उनकी हम बात करें, उनके प्लॉट एरिया के संदर्भ में, बिल्डिंग की ऊंचाई के संदर्भ में, कितने मंजिल तक की बिल्डिंग का निर्माण किया गया है, या उसके सामने जो सड़क की चौड़ाई है वो कितनी है, इन पैरामीटर्स पे अगर हम आधार रखें और ये तय करें कि आवासीय भवन कितने प्रकार के होते हैं, तो इस वीडियो में मैं इसी बात का एनालिसिस करूंगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करें। दोस्तों, काफी व्यूअर्स ने कमेंट किए थे कि सर, 3 मंजिल तक अपने आवासीय भवन का, अपने मकान का निर्माण कर सकते हैं, नक्शा पास करा सकते हैं, या 4th मंजिल भी पास हो सकती है, या कितने छोटे क्षेत्रफल पर फ्लैटों का निर्माण किया जा सकता है, ग्रुप हाउसिंग बिल्डिंग बनाने के लिए कितने बड़े भूखंड की आवश्यकता है, या कौन कौन सी उसकी अन्य आवश्यकताएं हैं, इसके बारे में एक वीडियो बनाइए। काफी लोगों के ये सवाल थे कि सर, हमारे बिल्डर ने एक घनी आबादी वाले क्षेत्र में छोटे से प्लॉट पर 3 मंजिल 4 मंजिल फ्लैट बना दिए हैं, 14 फ्लैट बने हुए हैं, कोई कह रहा 18 फ्लैट बने हुए हैं, तो क्या ये कंपाउंड हो जाएंगे या नहीं होंगे, ये वैध है या नहीं है, तो इसके क्या नियम है। तो इस वीडियो में मैंने उन सब सवालों पर ध्यान रखते हुए, सारे लोगों का कंफ्यूजन दूर हो जाए, इसलिए आवासीय भवनों को अलग अलग कैटेगरी के अनुसार डिवाइड करके उनकी सारी जो वांछित औपचारिकता है, वांछित आवश्यकता है, उनके संदर्भ में ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, आइए बोर्ड पे बात करते हैं। दोस्तों, बात हो रही है आवासीय भवन की। तो प्लॉट एरिया का अगर संदर्भ लें तो आवासीय भवन 3 कैटेगरी में बांटे जा सकते हैं। नंबर 1, भूखंडीय विकास के अंतर्गत निर्मित होने वाले भवन, मतलब प्लॉटेड डेवलपमेंट के अंतर्गत जो भवन बनाए जा रहे हैं, अगर किसी स्वीकृत लेआउट में या विकास प्राधिकरण की योजना में या महायोजना के अनुसार स्वीकृत योग्य आवासीय भूपयोग में आपका भूखंड है और उस पर भवन का मानचित्र स्वीकृत किया जा सकता है, तो उस भूखंडी विकास के अंतर्गत प्लॉट एरिया क्या होना चाहिए। इसी तरह दूसरी कैटेगरी है बहु आवासीय भवन, इसके क्या औपचारिकता है, इसके बारे में बात करेंगे। और तीसरी कैटेगरी ग्रुप हाउसिंग, समूह आवास की। तो दोस्तों, समस्त प्रकार के भवनों को 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। नंबर 1, भूखंडी विकास के अंतर्गत बनने वाले भवन, नंबर 2, बहु आवासी भवन, और नंबर 3, ग्रुप हाउसिंग बिल्डिंग्स, इसको कहेंगे ग्रुप हाउसिंग। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले भूखंडी विकास के अंतर्गत निर्मित होने वाले भवनों के बारे में। दोस्तों, इस कैटेगरी के अंदर जो भवन है उनका प्लॉट एरिया अगर बात करें, जो न्यूनतम प्लॉट एरिया है, मिनिमम प्लॉट एरिया 40 स्क्वायर मीटर होना चाहिए, 40 वर्ग मीटर तक न्यूनतम भूखंड का क्षेत्रफल होगा, तब वो भूखंडी विकास के अंतर्गत उसका मानचित्र स्वीकृत किया जा सकता है। और अधिकतम इसका जो क्षेत्रफल है वो 2000 वर्ग मीटर तक है। अगर आप मकान बनाना चाह रहे हैं एकल आवास, तो भूखंडी विकास के अंतर्गत 40 वर्ग मीटर से 2000 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर आप मकान बना सकते हैं, क्योंकि बिल्डिंग बायलॉज में 2000 वर्ग मीटर से अधिक बड़े भूखंड पर भूखंडी विकास के अंतर्गत सेटबैक का कोई प्रोविजन नहीं किया गया है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि भूखंडी विकास के अंतर्गत 40 वर्ग मीटर से 2000 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर भूखंडी विकास के मानचित्र स्वीकृत किया जा सकता है। अब अगर आपका भूखंड मान लीजिए केवल 40 वर्ग मीटर का है उसका क्षेत्रफल, तो इसके लिए दूसरा निर्धारण ये है कि 40 वर्ग मीटर तक के न्यूनतम भूखंड साइज पर भूखंड की जो चौड़ाई है उसका भी निर्धारण है, ये 3.0 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। कम से कम 40 वर्ग मीटर का जो न्यूनतम भूखंड का साइज है उसकी एक साइड रोड की तरफ जो साइड है वो 3.5 मीटर लंबाई से कम नहीं होनी चाहिए और कुल भूखंड का क्षेत्रफल 40 वर्ग मीटर होना चाहिए। ये न्यूनतम प्लॉट एरिया का क्राइटेरिया है और अधिकतम प्लॉट एरिया 2000 वर्ग मीटर तक का है, तो आपका भूखंड विकास के अंतर्गत उसका मानचित्र स्वीकृत किया जा सकता है। अब बात करते हैं मंजिलों की। इस कैटेगरी में कितने मंजिलों का निर्माण किया जा सकता है। दोस्तों, ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर प्लस सेकंड फ्लोर, इस तरह ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड मिलाते हुए कुल 3 मंजिलों का निर्माण किया जा सकता है भूखंडी विकास के अंतर्गत भवन का, आवासीय भवन की बात हो रही है। अब बात करें अगर ऊंचाई की, तो दोस्तों इस कैटेगरी में जो भूखंडी विकास के अंतर्गत आवासीय भवन निर्माण किए जा रहे हैं या प्रस्तावित किए जा रहे हैं, अगर हम स्टील का प्रयोग उसमें नहीं करते हैं, पार्किंग के लिए स्टील फ्लोर उसमें नहीं बनाते हैं, तो अधिकतम ऊंचाई 10.5 मीटर रखी जा सकती है, 10.50 मीटर, और अगर स्टील के साथ बनाते हैं तो अधिकतम ऊंचाई 12.50 रखी जा सकती है,
इससे अधिक ऊंचे भवन की अनुमति नहीं दी जा सकती है बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार। अब दोस्तों स्टील फ्लोर क्या होता है, अगर ये जानना चाहते हैं तो हमारा वीडियो देख लीजिएगा। अभी हमने स्टील फ्लोर क्या होता है और किन भवनों में स्टील फ्लोर स्वीकृत किया जा सकता है इसके बारे में एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ये बात हमने ऊंचाई के संदर्भ में की है। अब बात करते हैं रोड की चौड़ाई। दोस्तों भूखंडी विकास के अंतर्गत आवासीय भवन के निर्माण के लिए ये आवश्यक है कि उस भवन के सामने मिनिमम 9 मीटर चौड़ी सड़क होनी चाहिए। 9 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर भूखंडी विकास के अंतर्गत आवासीय भवन का मानचित्र या किसी भी भवन का मानचित्र स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। इसी तरह अगर बिल्टअप एरिया में आपका प्लॉट है और रेजिडेंशियल भूपयोग है तो वहाँ पर रोड की जो न्यूनतम चौड़ाई है वो 4 मीटर रखनी आवश्यक है। ओल्ड एंड बिल्टअप एरिया में आवासीय लैंड यूज के अंतर्गत 100 वर्ग मीटर तक के क्षेत्रफल के मूल भूखंड पर, जिसका मूल रूप से 100 वर्ग मीटर तक का क्षेत्रफल है भूखंड का, उन भूखंडों के सामने अगर आपको 4 मीटर की चौड़ाई की सड़क मिल रही है तभी आप उस पर बिना मानचित्र स्वीकृत कराए 3 मंजिल तक के भवन का निर्माण कर सकते हैं। अगर 4 मीटर चौड़ी सड़क उपलब्ध नहीं है तब आपको उपलब्ध सड़क के सेंटर से अपने प्लॉट साइज की तरफ सेंटर से 2 मीटर छोड़ना पड़ेगा। मान लीजिए कि अगर वहाँ पे 3 मीटर की सड़क है तो सेंटर से आपके प्लॉट की तरफ हुआ 1.5 मीटर आधा, और फिर आधी मीटर चौड़ाई 0.50 मीटर चौड़ाई आपको अपने प्लॉट से छोड़नी पड़ेगी। इस तरह सेंटर से 2 मीटर रोड हो जाएगी, रोड की चौड़ाई रोड बाइंडिंग जोड़ते हुए, और बचे हुए भूखंड पर आप अपना भवन बना सकते हैं। तो ये भूखंडी विकास और बिल्टअप एरिया के अंतर्गत सड़क की चौड़ाई के बारे में इस वीडियो में मैंने बात की है। अब दोस्तों बात करेंगे बहुआवासी भवनों के लिए इस कैटेगरी में प्लॉट का एरिया कितना होना चाहिए डिटेल में। दोस्तों बहुआवासी भवनों के लिए अगर प्लॉट एरिया की बात करें तो 150 स्क्वायर मीटर से 2000 स्क्वायर मीटर क्षेत्रफल तक के भूखंडों पर बहुआवासी भवनों पर आवासीय भवन फ्लैट के रूप में बनाए जा सकते हैं। इसके बारे में और क्या डिटेल्स हैं, इन भूखंडों पर फ्लैट स्वीकृत किए जाने के संबंध में और क्या आवश्यकताएं हैं, इनके बारे में डिटेल में मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें कितने मंजिलें बनाई जा सकती हैं, कितने फ्लैट बनाए जा सकते हैं, किस साइज के भूखंड पर, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे अगले वीडियो में। अभी इस वीडियो में खाली मैंने प्लॉट साइज बताया है ताकि आपको ये क्लियर हो सके कि प्लॉट साइज के अनुसार आवासीय भवन कितनी कैटेगरी में डिवाइड किए जा सकते हैं और कंफ्यूजन दूर हो जाए जो काफी लोगों के सवाल थे। इसके बाद तीसरी कैटेगरी जो आती है वो है ग्रुप हाउसिंग की। ग्रुप हाउसिंग में मिनिमम 2000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का भूखंड आवश्यक है। 2000 स्क्वायर मीटर या इससे बड़े भूखंडों पर आवासीय भूप्रयोग के अंतर्गत ग्रुप हाउसिंग बिल्डिंग स्वीकृत की जा सकती है। तो ग्रुप हाउसिंग के संबंध में क्या अपेक्षाएं हैं इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। बहुआवासीय भूखंडों पर 150 वर्ग मीटर से 2000 वर्ग मीटर तक जो फ्लैट बनाए जाने का प्रोविजन है उसकी क्या अपेक्षाएं हैं इसके बारे में भी अलग से वीडियो बनाऊंगा, काफी अपेक्षाएं हैं, डिटेल वीडियो बनेगा। इस वीडियो में मैंने इस कैटेगरी के बारे में डिटेल से आपसे बात की है। आशा है इस वीडियो से काफी लोगों के कुछ कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे। अगले वीडियो में बहुआवासीय भवनों के संबंध में मैं डिटेल से बात करूंगा ताकि आपके कंफ्यूजन दूर हो पाए। नमस्कार।